एक जिस्म दो जान, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और ये कहावत जुड़वा बच्ची रिद्धि और सिद्धि पर सटीक बैठती है। करीब एक साल की रिद्धि और सिद्धि जुड़वा बहनें हैं। वे जन्म से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। शरीर के कई सारे अंग उनके आपस में जुड़े थे, लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर से चमत्कार कर दिखाया है, रिद्धि और सिद्धि के लिए कमाल कर दिखाया है और साबित किया है कि एम्स का नाम आधुनिक मेडिकल विज्ञान में क्यों नंबर वन पर है। एम्स के डॉक्टरों ने 11 महीने की जुड़वा बच्चियों की सफल सर्जरी की है। ये जन्म के समय से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ऐसे में उनको काफी परेशानी होती थी। डॉक्टरों ने 12 घंटे तक चली सर्जरी के बाद इनको अलग कर दिया और सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद दोनों स्वस्थ हैं। इस सर्जरी के लिए 5 सीनियर डॉक्टर, 6 रेजिडेंट डॉक्टर, 6 एनएससीआ के एक्सपर्ट, 12 नर्सिंग स्टाफ और 2 ओटी टेक्नीशियन, यानी कुल मिलाकर 31 लोगों की टीम ने काम किया। एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मीनू वाजपेयी ने बताया कि ये बहनें पेट और छाती से जुड़ी हुई थी, इससे इन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। बच्चियों को करवट लेने और सोने में भी परेशानी होती थी। इनके माता पिता को सर्जरी के बारे में बताया गया। 11 महीने के दौरान कई टेस्ट किए गए, जिसमें पता चला कि इनके लिवर का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। हालांकि बच्चियों के हार्ट की कोई आर्टरी आपस में जुड़ी नहीं थी, ऐसे में सर्जरी करने का प्लान किया गया। सर्जरी के दौरान पहले इनके लिवर के हिस्सों को अलग किया गया, उसके बाद छाती वाले एरिया को अलग किया गया। कुछ घंटे बच्चों को निगरानी में रखा गया था। डॉक्टर मीनू ने आगे बताया कि इस तरह जुड़े हुए बच्चे होने के क्या कारण होते हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ये जेनेटिक्स कारण या अन्य किसी समस्या से हो सकता है। अगर किसी दंपत्ति के इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। सिद्धि रिद्धि की सफल सर्जरी के बाद उनके माता पिता काफी खुश हैं। बच्चियों के पिता अंकुर गुप्ता और माँ दीपिका गुप्ता बरेली की हैं। पिता चप्पल की दुकान चलाते हैं और पिता अंकुर गुप्ता का कहना है कि एम्स के डॉक्टरों ने उनकी दोनों बेटियों को नया जीवन दिया है। वे काफी खुश हैं, उनकी बच्चियां अब स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने आगे फॉलोअप के लिए उन्हें बुलाया है।